अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 भी इसी का पार्ट है। ठीक है, लेक्चर 13 और 14 को भी कलेक्ट करके रखा गया है। जब हमने स्टार्ट किया हुआ था एंड टाइम्स वाला, उसके लास्ट टू टॉपिक्स हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो लास्ट टू टॉपिक्स हैं वो ब्रीफ हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, तो हम उसको एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। आज मैं स्टडी करना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ओपन योर बुक्स, और ये है आपकी बुक के पेज नंबर 111 पे। ठीक है, बुक पे पेज नंबर 111 ओपन करें ताकि हम जो पढ़े वो साथ साथ आप मार्क भी करें और आपको समझ भी आ जाए। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में आपको क्या बताया हुआ है, सबसे पहले आप ये देखें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में आप ये देखें कि जो टू तो थ्री लाइंस आपको पेज 111 पर मिलेंगी, वहां पे आपको जनरल मैकेनिज्म बताया हुआ है कि एक एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये कुछ टाइम के लिए, जब तक कैटालिटिक रिएक्शन होना है तब तक ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब एंजाइम सबस्ट्रेट को कैटालाइज करके ब्रेक डाउन उसकी करवा देगा तो एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और वो सबस्ट्रेट जो था वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हैं, इसके नीचे बुक में इक्वेशन लिखी हुई है, वो इक्वेशन भी लिखना बहुत जरूरी है। इसको समझाने का मकसद क्या है कि एक एंजाइम है, उसमें जो कैटालिटिक रीजन होता है एंजाइम का वो होता है उसकी एक्टिव साइट। ठीक है, तो जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से जाके अटैच हो जाता है फिर कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्ट होता है। फिर उस रिएक्शन के लिए टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब कैटालिटिक रिएक्शन कंप्लीट कर देता है, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करवा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देगा, तो ये प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा और एंजाइम वैसे का वैसे ही रहेगा और एंजाइम रीगेन हो जाएगा, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। इससे ये भी बात प्रूफ होती है कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता। सेकेंड, हम मूव कर रहे हैं मॉडल्स पर कि एंजाइम एक्शन के लिए कुछ मॉडल्स प्रेजेंट किए गए, कुछ साइंटिस्ट ने थियोरीज दी कि एंजाइम वर्क किस तरह कर रहा है बॉडी में। तो यहाँ पे आपको बुक में दो मॉडल दिए गए हैं, लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है, ये दो मॉडल्स क्यों प्रेजेंट किए गए, क्या किसी में कोई ड्रॉबैक है या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वाला है आपके पास लॉक एंड की मॉडल, इट्स ऑन पेज नंबर 112 स्टार्ट पर ही आप देखें। उससे पहली हेडिंग है कि डिस्कवरी की, कि ये मैकेनिज्म डिस्कवर किसने किया। तो एक जर्मन केमिस्ट था इमेल फिशर, उसने 1894 में एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल प्रेजेंट किया और उसने उसको नाम दिया लॉक एंड की मॉडल। उसने लॉक एंड की मॉडल का नाम क्यों दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन भी इसी में है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट पोजेसेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। उसने अपने इस मॉडल में कहा क्या कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक शेप होती है जो एक दूसरे में फिक्स हो सकते हैं और वो दोनों एक दूसरे के अलावा किसी, मतलब एक सबस्ट्रेट किसी दूसरे एंजाइम की एक्टिव साइट पर फिट नहीं होता। जैसे अ स्पेसिफिक लॉक हैज अ स्पेसिफिक की, एक ताले की एक ही चाबी होती है ना, वो उसी से ओपन होता है। मतलब आप कोई भी की लेकर किसी दूसरे लॉक को अनलॉक नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी सबस्ट्रेट जाके किसी भी एंजाइम पे बैठ नहीं सकता, उसकी एक्टिव साइट पर कैटालाइज नहीं हो सकता। इस कॉन्सेप्ट को उसने कहा लॉक एंड की मॉडल। इसमें थोड़े से ड्रॉबैक रहे, लॉक एंड की मॉडल क्यों इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। हाँ, उसने एक बात ठीक बताई कि हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये 100% राइट इसलिए नहीं है कि लॉक एंड की मॉडल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब ये होगा कि एंजाइम जो है वो एक बहुत रिजिड सी चीज है, जो उसकी एक्टिव साइट है बहुत रिजिड है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, जैसे कि लॉक बहुत रिजिड होते हैं। इसीलिए इस मॉडल के बाद एक दूसरे मॉडल की हमें जरूरत पड़ी और वो मॉडल था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में भी सबसे पहले डिस्कवरी आ जाती है। 1894 में फर्स्ट मॉडल प्रेजेंट किया गया था लॉक एंड की, जो कि इमेल फिशर ने किया था। उसके बाद 1958 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था डैनियल कोशलैंड, ठीक है, डैनियल कोशलैंड ने एक नेक्स्ट मॉडल सजेस्ट किया जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट था फॉर एंजाइम एक्शन। उसने इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या था, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, रादर इट इज मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। अब उसने क्या कहा कि इसके अकॉर्डिंग जो एंजाइम है वो कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि उसने लॉक एंड की में कहा था, लॉक तो एक रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं ना। उसने कहा कि एंजाइम एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है
और जब उसकी एक्टिव साइड पे कोई सब्सट्रेट आता है तो उस सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट या मोल्ड कर लेते हैं। जैसे कि डायग्राम में आपको कर्व्स नजर आ रहे हैं ना, ये कैसे फ्लेक्सिबल से स्ट्रक्चर है, जब ये कर्व जाके उसके अंदर फिक्स होने लगेगा तो एंजाइम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। वो अपनी एक्टिव साइड की शेप चेंज नहीं करता, लेकिन वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर लेता है। मोल्ड करने का मतलब थोड़ा सा चेंज करेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट उसमें लेके आएगा। कंप्लीट शेप चेंज होने का मतलब है एंजाइम ही चेंज हो जाना। ठीक है, तो ये दो मॉडल्स प्रेजेंट किए गए थे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। दोनों के साइंटिस्ट के नेम याद रखने, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, डेट्स याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है कंपैरिजन, इस कंपैरिजन को अच्छे से नोट कर लें कि लॉक एंड की मॉडल इंड्यूस्ड फिट में डिफरेंस क्या है। पहले तो उनकी डेफिनेशन का डिफरेंस है कि लॉक एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो एंजाइम सब्सट्रेट बाइंडिंग को एक्सप्लेन करता है, जबकि उनकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स को एक्सप्लेन नहीं करता। कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स का मतलब है कि वो कोई मोल्डिंग, कोई चेंज, कोई मॉडिफिकेशन आती है या नहीं। सॉरी, हाँ जी, और जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करता है। फिर अब अगर आना चाहती है शेप्स की, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में शेप्स कंपल्सरी नहीं है, जबकि लॉक एंड की के अकॉर्डिंग शेप बहुत कंपल्सरी थी, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता। नेचर ऑफ बाइंडिंग में इंड्यूस्ड फिट मॉडल की जो बाइंडिंग है वो फ्लेक्सिबल है, जबकि लॉक एंड की बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि जो अभी हमने बात की, एंजाइम अपने सब्सट्रेट को थोड़ा बहुत मोल्ड कर रहा है अकॉर्डिंग टू सब्सट्रेट, लेकिन लॉक एंड की में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें बस ये था कि जो सब्सट्रेट है वैसे ही आकर फिट हो। अगर एंजाइम ठीक से सब्सट्रेट जो है सब्सट्रेट एंजाइम में फिट नहीं होता तो वो तो उस पर कैटालिटिक रिएक्शन ही नहीं कर सकेगा, इसलिए थोड़ी बहुत मोल्डिंग नेसेसरी है। फिर है प्रपोज्ड बाय, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो था वो डेनियल कोस्टलैंड ने दिया था और लॉक एंड की दिया था इमैनुअल फिशर ने। एक्टिव साइट्स का भी डिफरेंस है, इंड्यूस्ड फिट के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब है रिजिड, हार्ड, रुकी हुई, कि वो चेंज नहीं हो सकती, और लॉक एंड की के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो थी स्टैटिक थी। इस डिफरेंस को नोट करें, स्टिकी नोट्स पे लिखें और बुक पर पेस्ट कर लें। बेटा आपको मैं बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ, जैसे ही क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी मैंने आप लोगों की बुक्स चेक करनी है, मुझे बुक्स पे सारी हाइलाइटिंग और स्टिकी नोट्स की पेस्टिंग चाहिए। स्टिकी नोट्स अगर अभी अवेलेबल नहीं भी है तो बुक पे एटलीस्ट किसी तरह से आप इस चीज को लिखें और स्टेपल करें, जैसे आप पहले अपनी बुक्स को प्लान करते रहे। किसी के नोट्स मिसिंग हुए तो बाद में कम्प्लीट नहीं करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, तो आपके पास पेज 112 पे ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आपने लाइट नहीं लेना, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये लॉन्ग में भी एक दफा आ चुका हुआ है। ठीक है, तो इसको लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है, शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है। इसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट 2000 नोन एंजाइम्स मौजूद है और हर एंजाइम स्पेसिफिक कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म करवा रहा है। इसके लिए स्पेसिफिसिटी आप थोड़ी सी पहले भी पढ़ चुके हो कि जैसे प्रोटीएज एंजाइम की हमने बात की थी, प्रोटीएज एंजाइम स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन कैटालिसिस, जबकि लाइपेज स्पेसिफिक फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो आपके पास एमाइलेज भी है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। बॉडी में हर तरह के कैटालिटिक रिएक्शन करवाने के लिए उस तरह का स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो फिगर है आपके पास, इसमें एंजाइम सब्सट्रेट अटैच हुए हैं, जबकि अगर किसी सेम एंजाइम को लो तो ये सब्सट्रेट अटैच तो हो रहा है लेकिन उसकी शेप क्योंकि उसकी जैसी नहीं है तो वो सब्सट्रेट इसमें फिक्स नहीं हो सकेगा। अगर फिक्स नहीं होगा तो एंजाइम इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंजाइम की स्पेसिफिक नेचर है किस वजह से। तो बुक में आप लोग मार्क करें जो पैराग्राफ दिया हुआ पेज 112 पर, उसकी सेकंड लास्ट लाइन से स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम, यहाँ से मार्क करें और एंड तक जाए, फिर व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, यहाँ पर हेडिंग लिखे रीजंस फॉर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, और इसकी रीजंस क्या है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्टिव साइट अपनी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप एक ऑक्यूपाई करते हैं, वो शेप सबस्ट्रेट से बिल्कुल मिलती जुलती होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखें कि कैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे ब्लॉक्स एक दूसरे में फिट हो रहे हैं। तो एंजाइम की स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अलाउ करती है अपने अंदर फिट होना। ये रीजन आपने याद रखनी है, और उसके साथ आपको बुक में जो डायग्राम दी हुई है उसको डायग्राम को देखें कि आपके पास एक एंजाइम है और उसके अकॉर्डिंग तीन सबस्ट्रेट दिए हुए हैं। दो सबस्ट्रेट्स की शेप जो है सबस्ट्रेट वन और सबस्ट्रेट टू की शेप इररिलेवेंट है, वो एंजाइम में फिट नहीं हो सकती, जबकि सबस्ट्रेट थ्री जो है वो बिल्कुल एंजाइम की एक्टिव साइट से मिलता जुलता है। तो आपने स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप के कॉन्सेप्ट को देने के लिए वो डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी है।
ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल आपकी आज की डायरी है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन कल की डायरी है, और उसके साथ आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी है। डायरी रिपीट कर रही हूँ, आज आपने करना है मॉडल्स एंजाइम एक्शन के, डायग्राम दोनों करनी है लॉक एंड की भी इंड्यूस फिट की भी। कल आप लोग स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम याद करेंगे, छोटा टॉपिक है, डायग्राम भी इसके साथ करनी है और एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।